गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल साचौर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वर्किंग विथ टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर्स जो है स्टार्ट किए थे हमने पिछले वीडियो लेक्चर में, उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमने कर लिया था, जो कि था सेंटेंस कंप्लीट करने थे, तो वो कल किया था। उसके बाद आज जो है सेकंड क्वेश्चन उसी का, वर्किंग विद द टेक्स्ट, लेसन नंबर 2, ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। तो सेकंड क्वेश्चन जो है वो करेंगे, उसके बाद पर सेकंड क्वेश्चन में देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, डिस्क्राइब द म्यूजिक टीचर As seen from the window। उन तीन बच्चों ने, मृदु, रवि और मीना ने, जब कमरे में जाकर के देखा जहां से आवाज आ रही थी, तो उसमें लल्ली और उसका संगीत शिक्षक जो है वो धुन बजा रहे थे। तो संगीत शिक्षक जो है वो खिड़की की तरफ पीट करके बैठा था, तो पीछे से देखा था, तो उसको मतलब उसका उलिया कैसा था, उसका लुक कैसा था, उसके बारे में जो है वो आपको लिखना है, उसका वर्णन करना है, कैसा लग रहा था वो। तो देखिए, द म्यूजिक टीचर सैट बिफोर ललित, म्यूजिक टीचर जो है वो ललित के सामने जो है बैठा था। ही बैक द विंडो, और उसकी पीठ जो है, बैक यानी पीठ, और उसकी पीठ जो है विंडो की तरफ थी, खिड़की की तरफ थी। कहने का मतलब ये हुआ, संगीत शिक्षक ललित के सामने उस खिड़की की तरफ अपनी पीठ करके बैठा हुआ था। मृदु कुड सी हिज बर्निंग एफियंस फ्रॉम द विंडो, मृदु जो है उसका बॉनी यानी दुबला पतला एफियंस यानी हुलिया फ्रॉम द विंडो कुड सी यानी देख सकते थे। तो कहने का मतलब ये हुआ, मृदु जो है वो उस संगीत शिक्षक का दुबला पतला हुलिया जो है वो खिड़की से देख सकती थी, मतलब वो भिखारी, वो संगीत शिक्षक जो है वो दुबला पतला था। ही हैड अ बैल्ड हेड विद अ फ्रिंज ऑफ ऑयल्ड हेयर अराउंड हिज फॉरहेड एंड हेयर्स, उसका सिर जो है वो यहां से ऊपर से जो है वो नंगा था, बैल गंजा कहते हैं, बैल नाबाल नहीं हो, गंजा बैल, उसका सिर जो था वो बैल्ड था, यहां खोपड़ी में ऊपर की तरफ जो है बाल नहीं थे, और लेकिन उसके उस कानों के ऊपर उसके और ललाट के साइडों में दोनों तरफ जो है वो उसके तेल लगे हुए बाल थे, मतलब यहां से जो है वो इस तरफ जो है वो बाल उसके थे, केवल बीच में जो है ऊपर से वो गंजा था, जैसा कि चित्र में आप देख सकते हो। और एंड एन ओल्ड फैशन टक्ट, टक्ट का मतलब होता है चुटिया, चोटी जो होती है ब्राह्मणों के आपने देखी होगी, तो इस प्रकार से उसके भी जो है वो पुरानी तरह की, पुराने लोग जिस प्रकार की चुटिया रखते थे, ऐसे उसकी चोटी जो है वो थी, लटक रही थी। ही वोर ए गोल्ड चेन अराउंड द नेक, गोल्ड चेन सोने की जंजीर, वोर यानी पहनी हुई, वीर का सेकंड फॉर्म है,
तो उसने गले में जो है वो सोने की जंजीर जो है वो पहनी हुई थी। The hand which was moving on the violin had a diamond ring. और जिस हाथ से वो वायलिन बजा रहा था उस हाथ में डायमंड रिंग हीरे जड़ी अंगूठी पहनी हुई थी। He was beating time on the floor with the stony big toe. उसका लंबा पैर का अंगूठे से उसके लंबे पैर के अंगूठे से वह समय समय पर जो है उस धुन के साथ उस फर्श से उस अंगूठे को टकरा रहा था। ये उसका जो है वो उल्लिया था, उसका एपीरेंस था उस म्यूजिक टीचर का, जो कि विंडो से मृदु को और दूसरे बच्चों को रवि को और उसको मीना को दिखाई दिया। तो ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर थ्री पूछा है, जो बाकी इसके पहले बाकी पूछा, व्हाट मेक्स मृदु कंक्लूड दैट द बेगर हैड नो मनी टू बाय चॉकलेट्स। मृदु ने कंक्लूड का मतलब निष्कर्ष निकालना, मृदु ने यह निष्कर्ष किस प्रकार से निकाला कि उस भिखारी के पास पैसे चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। ये उसको किस प्रकार से मालूम हुआ कि उसने मान लिया कि उस भिखारी के पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं। और इसी का दूसरा भाग पूछा है, व्हाट डज शी सजेस्ट टू शो हर कंसर्न। और अपनी चिंता को बताने के लिए, अपनी चिंता को व्यक्त करने के लिए उस मृदु ने क्या सुझाव दिया था जिससे कि वो भिखारी की सहायता कर सके। तो देखिए, द ओल्ड बेगर वॉज बेयरफुटेड, नंगे पैर था भिखारी। ही शोड द चिल्ड्रन हिज फीट, उसने अपने पैरों को जो है बच्चों को दिखाया। ही सोल्स वर फुल ऑफ पिलिंग ब्लिस्टर्स, उसके पैर जो है वो फफोलों से भरे हुए थे, फफोले थे सारे उसके तलवों पर। फ्रॉम वॉकिंग बैक ऑन द रोड्स, और ये किससे हुए थे, नंगे पैर सड़कों पर घूमने के कारण। मृदु कुड जस्ट मेक आउट दैट द बेगर डिडंट हैव द मनी, और इस प्रकार से उस मृदु ने पता लगाया कि भिखारी के पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। अगर पैसे होते तो वो नंगे पैर नहीं घूमता, इतनी तकलीफें जो है वो नहीं उठाता। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके पास पैसे नहीं थे। अब इसका दूसरा भाग इसमें पूछा कि अपने चिंता को जो है वो व्यक्त करने के लिए मृदु ने क्या सुझाव दिया था। मृदु ने सुझाव दिया था टू बाय ए पेयर ऑफ चप्पल्स, उस भिखारी के लिए चप्पल खरीदने का सुझाव जो है वो दूसरे बच्चों को रवि और मीना को उसने दिया था। तो ये सेकंड और थर्ड क्वेश्चन के आंसर्स है। आप जो है कॉपी में लिखे, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि वीडियो को बार बार ना देखना पड़े और आप जो है वो इसको देख करके लिख सकें, और उसके बाद जो है वो इसको लर्न करें। और अपन अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर देखिए। हैव यू चिल्ड्रन, सी बिगन एंड देन सिंग देयर क्यूसली क्वाइट वेंट ऑन मोर स्लोली, सीन एनीवन लर्किंग अराउंड द वर्ल्ड। तीन भाग है इसके। हैव यू चिल्ड्रन, फिर खाली छोड़ दिया है, फिर उसने प्रारंभ किया है, सी बिगेन एंड देन सीइंग दे वर क्यूरियसली, जब पहले तो उसने बच्चों से पूछा क्या बच्चों तुमने, फिर उसने छोड़ दिया बीच में। जब उसने बच्चों को देखा चुपचाप बच्चे जो है वो बैठे थे, तो उसने आगे पूछा, वेंट ऑन स्लोली, सी एनीवन लर्किंग अराउंड द वरांडा, उस बरामदे में किसी को झांकते हुए या चुपके से आते हुए देखा था, तो ऐसा पूछा है। अब इसके तीन भागे देखो,
क्या प्रश्न बन रहा है, व्हाट डू यू थिंक रुक्मणी रियली वांटेड टू आस्क। अब देखो शुरुआत में रुक्मणी ने जब प्रारंभ किया था हैव यू चिल्ड्रन, तब यहाँ पर ये दूसरा प्रश्न कुछ पूछना चाहती थी बच्चों से, ठीक है। तो वो वास्तव में जो है वो क्या पूछना चाहती थी, ठीक है, दूसरा भाग में व्हाई डिड शी चेंज हर क्वेश्चन, उसने अपना प्रश्न बदल दिया था, पहले कुछ दूसरा पूछना चाहती थी, लेकिन फिर जब उसने बच्चों को जो है चुपचाप देखा बैठे हुए, तो उसने अपना प्रश्न जो है वो बदल दिया था। तो क्यों बदला वो बताना है। और तीसरा है व्हाट डिड शी थिंक हैड हैपेंड, और वो क्या सोचती थी या उसने क्या सोचा कि जो है वो क्या हुआ होगा, चप्पलें कहाँ गई होगी, उसने क्या सोचा था, इसके बारे में जो है बताना है। तो देखिए सबसे पहले पहले का लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर का फर्स्ट लेते हैं, रुक्मणी इन फैक्ट वांटेड टू आस्क द चिल्ड्रन इफ दे हैव हिडन द चप्पल्स समवेयर टू ट्रबल द म्यूजिक मास्टर। रियल में जो है, वास्तव में जो है वो रुक्मणी जो है बच्चों से पूछना चाहती थी कि क्या उन्होंने संगीत शिक्षक को परेशान करने के लिए उसके चप्पल जो है वो कहीं छुपा तो नहीं दी, वास्तव में ही पूछना चाहती थी वो। फिर दूसरा जो है उसने पूछा कि अपना प्रश्न उसने क्यों चेंज कर दिया था, तो ये उसने प्रश्न इसलिए चेंज किया था सी साथ दैट द चिल्ड्रन वर स्ट्रेंथ क्वाइट, क्योंकि बच्चे जो है बिल्कुल शांत थे, विचित्र रूप से जो है वो शांत थे, इसलिए उसने अपना प्रश्न जो है वो बदल दिया। फिर तीसरा है सी कुड कंक्लूड दैट द चप्पल्स वुड नो लॉन्गर बी रिक्वायर्ड इफ समवन हैड स्टॉलन देम, और उसने ये निष्कर्ष निकाला कि चप्पल्स अगर किसी ने जो है वो चप्पलें जो है वो किसी ने अगर चुरा ली है तो वो वापिस लाई नहीं जा सकती है, ये तीसरे पार। अब पांचवा प्रश्न जो है वो आप पूछा है, ऑन गेटिंग गोकू मामा चप्पल्स द म्यूजिक टीचर ट्राइड नॉट टू बी टू लुक टू हैप्पी वाई। जब गोकू मामा के चप्पल जो है वो म्यूजिक मास्टर को दिए गए तो म्यूजिक मास्टर जो है वो हालांकि खुश हुआ था, लेकिन उसने खुश ना होने का प्रदर्शन किया था, खुश न दिखने का प्रदर्शन किया था, तो ऐसा क्यों था, क्यों वो खुश दिखना नहीं चाहता था, तो इसका उत्तर लिखना है आपको। द म्यूजिक मास्टर म्यूजिक टीचर क्वाइट हैप्पी टू हैव बीन ऑफर्ड द ऑलमोस्ट न्यू पेयर ऑफ चप्पल्स इन प्लेस ऑफ हिज ओल्ड वन आउट वंस। अपनी घिसी पिटी चप्पलों की जगह पर नई चप्पलें न्यू ब्रांड चप्पल्स जो है प्राप्त करके म्यूजिक टीचर जो है वो बहुत खुश था, क्योंकि उसकी चप्पलें जो थी पुरानी थी, घिस चुकी थी, और गोकू मामा की जो चप्पलें थी वो बिल्कुल नई थी, तो इसलिए उन चप्पलों को प्राप्त करके हालांकि म्यूजिक टीचर जो है वो बहुत खुश हुआ था, लेकिन उसने खुश न होने का जो है वो दिखावा किया था। हाउएवर ही डिडंट वांट टू शो हिज ग्रीफ, क्योंकि वह अपने लालच को प्रदर्शित करना नहीं चाहता था। ऑल्दो हिज आईज लाइट अप, हालांकि उसकी आंखें जो है वो चप्पलों को देख करके चमक चुकी थी, ही ट्राइड नॉट टू लुक, लेकिन उसने फिर भी जो है वो खुश नहीं दिखने का प्रयास किया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का आंसर। अब आपको जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो है वो करना है, लेकिन उसके लिए जो है वो ये वीडियो लेक्चर जो है थोड़ा सा लंबा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उन दो प्रश्नों के साथ में से वर्किंग विद लैंग्वेज वाला आगे वाला जो क्वेश्चन है उनके साथ में उनको लिया जाए कल वाले जो है वीडियो लेक्चर में। तो आज जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 5 तक ही करेंगे, आप इनको बढ़िया तरीके से
कॉपी में करें और लिखने के साथ साथ इनको जो है वो लर्न भी करें, केवल लिख करके ना छोड़े, उनको याद करने का प्रयास भी करें और इन प्रश्न उत्तर का जो है वो स्क्रीनशॉट लेते रहें, जिससे कि आपको वीडियो बार बार रोक करके देखना और बार बार देखने का प्रयास करना जो है वो, जिससे आपके समय की ज़्यादा बर्बादी हो, ऐसा ना हो, इसलिए स्क्रीनशॉट समय समय पर लेते रहें। जब भी लिखवा करके मैं वहाँ से हटूँ तो आप स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद उसको जूम करके आप जो है वो आंसर्स को जो है वो आसानी से लिख लें और लिख करके लर्न करें, और कोई समस्या आए क्वेश्चन आंसर से संबंधित या किसी भी प्रकार से जो है वो वीडियो लेक्चर के संबंध में जो है वो कोई समस्या हो तो मुझे व्हाट्सएप पे संपर्क करके जो है वो बताएं, ताकि जो है उसमें सुधार किया जा सके। तो आज जो है वो यहीं तक लेंगे, अब कल जो है इससे नेक्स्ट दो क्वेश्चन और फिर वर्किंग विथ लैंग्वेज का जो पार्ट है वो लेंगे। थैंक यू।